बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू शायगान लर्निंग फोरम। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे ब्रेन को, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स पाए जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, तो ब्रेन जो है बेसिकली इन कोऑर्डिनेशन विद स्पाइनल कॉर्ड हमारे पूरी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो बेसिकली ब्रेन जो है वो तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अगर हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के सेगमेंट्स की बात करें, तो फोर ब्रेन के अंदर जो है काफ़ी पार्ट्स पाए जाते हैं, लाइक सेरिब्रम है, कॉर्पस कोलोसम, बेसल गेंग्लिया, थैलेमस, हाइपोथैलेमस सेगमेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा मिड ब्रेन का अपना एक फंक्शनल रोल है, और इसके हाइंड ब्रेन में, हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, पोन्स और मेडुला ऑब्लॉन्गाटा पाए जाते हैं। फोर ब्रेन के सेगमेंट्स के फंक्शन की बात करें, तो बेसल गेंग्लिया है। बेसल गेंग्लिया फोर ब्रेन के बेस के ऊपर कुछ स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि बेसल गेंग्लिया बनाते हैं, और ये हमारे बहुत सारे वॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद कॉर्पस कोलोसम। कॉर्पस कोलोसम ब्रेन जो है उसके दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। इस लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को जो मसल्स या जो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स, जो कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, मिलाते हैं, जो ब्रिज बनाते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के दरमियान, जो ब्रिज बना के इन दोनों को मिलाते हैं, वो कहलाता है कॉर्पस कोलोसम, और ये स्पेशलाइज्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। इसके बाद थैलेमस। थैलेमस इज़ द सेक्रेटरी पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और ये रिले स्टेशन का काम करता है बिटवीन द फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस बेसिकली हमारे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम में मौजूद जो मास्टर ग्लैंड है, जो बाकी पूरी बॉडी के ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस या जो हार्मोनल एक्टिविटीज़ हैं, उनके हार्मोनल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें, तो मिड ब्रेन जैसे कि ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, तो मिड ब्रेन हमारे आई के मूवमेंट्स को, आई के फंक्शंस को और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशंस को कंट्रोल करता है। अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें, तो हाइंड ब्रेन में मौजूद जो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा है, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, लाइक हमारे हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, वेंटिलेशन रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को, और इसके अंदर वोमिटिंग सटर भी पाया जाता है, जो हमारे नाजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। पोन्स जो है, पोन्स बेसिकली सेरिब्रम के सामने पाए जाते हैं, बिल्कुल इन द फ्रंट ऑफ सेरिब्रम, और ये भी रिले सिग्नल का काम करता है बिटवीन द सेरिब्रम और सेरिब्रम। सेरिब्रम की अगर हम बात करें, सेरिब्रम फोर ब्रेन के सेरिब्रम की अगर हम बात करें, तो सेरिब्रम जो है बेसिकली हमें इंसान बनाता है, लाइक सपोज, क्योंकि ये हमें थिंकिंग पावर देता है, रीजनिंग, लॉजिक्स और हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने की सलाहियत देता है, और बहुत सारे हमारे वॉलंटरी फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसके बाद अगर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम सेरिब्रम की बात करें, जो हैंड ब्रेन का पार्ट है, तो सेरिब्रम जो है बज़ात खुद स्ट्रक्चर अगर इसका देखें, तो ये एक पूरे ब्रेन की तरह नज़र आता है, तो इसलिए इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है, छोटा दिमाग। और इसका काम जो है हमारे जो मूवमेंट्स हैं बॉडी के, जितने भी मूवमेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि ब्रेन जिस स्कल के अंदर मौजूद होता है, तो उसको क्रेनियम कहा जाता है, और ब्रेन के अंदर जो है एक फ्लूड भी पाया जाता है, जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड कहा जाता है, जिसको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। थैंक यू सो मच।